नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो सबसे पहले तो आप सबको सॉरी कि आज मैं लाइव नहीं आ पाई हूँ, बट कल मैं लाइव जरूर आऊंगी। तो आप लोग उससे पहले मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरे शो का आज का रिव्यू किया गया। बहुत मुश्किल से आज के मैंने शो देखा है, क्योंकि मैं घर पे हो नहीं। तो एनी हाउ, आज हम बातें करेंगे शो के बारे में कि घर में पार्टियां चल रही थी, घर में पूल पार्टी चल रही थी और सारे के सारे सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे एक अच्छी चीज है, चाहे जो भी हो, चाहे कितनी भी एक दूसरे के बीच में लड़ाइयां हो, लेकिन जब मस्ती करने की बात आती है तो सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मस्ती करते हैं। अपने सारे जो भी अपने पर्सनल इश्यूज हैं जहाँ पे इस घर में, वो सारी चीजें लोग भुला के ये चीजें करते हैं। अब आते हैं महेश जी की बातों पे। तो महेश जी की एंट्री हुई और एंट्री होते एक टास्क दिखाया गया जो कि बहुत फनी था। तो पुष्कर, मेघा, इन लोगों ने, किशोर ने जो एक्टिंग किया वो बहुत हंसते हंसते सबका पेट फूला हुआ। लेकिन आसार लोगों ने जो इस तरह से एक्टिंग की वो बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया था, वो कहीं ना कहीं बोर कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद बेस्ट एक्टर का अवार्ड भूषण को मिला एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला रेशम ताई एंड उषा ताई। में कंफ्यूज थे महेश जी, तो दोनों को भी बोल दिया है। तो ये सारी टास्क खत्म हुई। अब आते हैं हम नॉमिनेशन की बातों पे। नॉमिनेशन का टास्क हुआ, इस बीच में सुशांत भी आया आज। और सुशांत के आने पे सब घर वाले एकदम खोज खोज खोज, लेकिन महेश जी कहीं ना कहीं एक चीज बार 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 पूछ रहे थे कि हाँ क्यों हुआ था, क्या रीजन है क्विट करने का, क्या है ये। तो बोल रहे कि हाँ मतलब मुझे ऐसा 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 एसिडिटी का जो भी प्रॉब्लम है उसने बताया। लेकिन महेश जी ने बार बार ये क्यों क्लियर कर रहे थे कि वहां पे जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चल रहा था वहां पे वो टीवी नहीं देख सकते थे, वो सोशल मीडिया नहीं थी, ये नहीं थी, सब कुछ एक चीज जो क्लियर किया जा रहा था वो क्यों किया जा रहा था। तो एनी हाउ, उसका पूरा जर्नी दिखाया गया, फिर वो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बोली और वो इतनी सारी जो चीजें क्लियर किए जा रही थी ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में, क्यों क्लियर किया जाए। यहाँ पे हर कोई, जब देखो बीमारी के कारण कभी कोई बाहर चले जाता है, कभी कोई क्विट कर देता है, मतलब इस शो का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। लगता है ऐसा कि बस अभी है, हम इतने हफ्ते तक एंजॉय कर लिए, अब हमको घर जाना है, मतलब ऐसा ही पूरे बिग बॉस के शो में चल रहा है। अब हम आते हैं किशोर की बातों पे। तो किशोर के आने की बातों से पहले एक और बात मैं करना चाहती हूँ, और वो है कि त्यागराज ने उस टास्क से पहले एक रैप सॉन्ग गाना स्टार्ट किया था। उस सॉन्ग को उन्होंने बहुत अच्छे से वो स्टार्ट किए, बहुत अच्छे से गा भी रहे थे, बट बीच में महेश जी ने टोक दिया कि हाँ टाइम भी नहीं है, कुछ तो ऐसा वो लाइन बोल रहे थे। और फिर महेश जी ने भी बोला कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं, ऐसा करके। तो सबसे पहली बात कि ऑलरेडी एडिटिंग टीम बहुत ज्यादा एडिट कर देती है, इसका मतलब आप गाने देते हैं ऑलरेडी वो एडिट हो जाता है। आपको ये बोलने का या बीच में, कोई भी ऑलरेडी वो सिंगर है और किसी को भी अपना काम, अपना प्रोफेशन बहुत पसंद आता है। तो आई डोंट नो उनको बुरा लगा या नहीं लगा, बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी अजीब सी चीज लगी कि बीच में नहीं रोकना चाहिए था। अगर वो ज्यादा लंबा खिंच रहा था तो एडिटिंग हो सकती थी। जहां पे आसपास वाले लोगों ने जो एक गेम किया था, जो टास्क कर रहे थे, वो काफी लंबा खींचते हुए दिखा था, उसमें तो किसी ने नहीं रोका, तो फिर उसके गाने को क्यों रोका गया। तो ठीक है, मुझे जो लगा मैंने आपको बताया, आप जो बताइएगा कि आपको क्या लगा। अब हम आते हैं किशोर की बातों पे। तो एक जो चीज है वो है कि ऐसा लग रहा है कि महेश जी किसी को डांट नहीं सकते थे, तो किशोर को ले आए हैं, भाई चलो तुमको मैं चिल्ला सकता हूँ, तुमको मैं डांट सकता हूँ। तो उसको बोला गया जिस तरह से कि आओ के साथ जो भी हुआ, सारी बातें हुई, आस्ताद और भूषण को काफी ज्यादा डांट पड़ी कि तुम लोगों ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, इस घर में कोई पुरुष नहीं है, एक भाई को एक लड़की पे इस तरह से चल रहा है और तुम लोगों को कोई स्टैंड नहीं है। बट उन लोगों ने बोला कि हमने आओ के साथ कभी ऐसा मस्करी नहीं किया, कभी वैसा जो भी हम करते हैं एक लिमिट में करते हैं, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, जो भूषण एक्सप्लेन कर रहा था। वो आपको क्या लगा? महेश जी ने बोला कि क्या जो तुम गाना गा रहे थे वो सब मस्करी था क्या, वो सारी चीजें थी? तो सबको चिल्लाया गया, पुष्कर को भी बोला गया कि आओ के साथ, लेकिन पुष्कर की तारीफ भी की गई। एक चीज समझ नहीं आई कि यहाँ सबको डांट पड़ रही थी किसी न किसी चीज पे। किशोर पे भी बहुत जोर से गुस्सा हुए थे कि तुमको या दादागिरी करने आ, ये करने आ। लेकिन जो रेशम, जब उस समय जो ये कहानी सारी चल रही थी और रेशम आराम से मजे से चिप्स खा रही थी, उस बात पे क्यों नहीं बोला गया? जब मेघा को डांटा जा सकता है, जब अस्ताद को डांटा जा सकता है, भूषण को डांटा जा सकता है, सबको डांटा जा सकता है, तो वाई नॉट रेशम? मतलब कोई एक बंदा नहीं बचा था जिसको डांट नहीं पड़ी हो। इवन स्मिता को भी काफी सुनाया गया था।
बट रेशम को क्यों नहीं? रेशम ने कौन सा ऐसा बड़का तीर वो मार लिया वहां पे कि उसको नहीं बोला जा रहा है? बैठ के चिप्स ही तो खा रही थी और एंजॉय कर रही थी पूरा शो। तो एनी हाउ, रेशम की बातों पे भी कुछ नहीं बोला गया और किशोर दा को आज काफी जोर से पड़ी है। लेट्स सी कि वो आगे संभल जाए। कल के टास्क में फिर से, कल जो हमें दिखाया जाएगा, जो कि प्रोमो में दिखाया गया है, तो फिर से आओ और स्मिता के बीच में फाइट होगी, यानी कि बहसा बहसी होगी जो हमेशा होती रहती है। और आओ गुस्से में ये भी बोल देगी कि ठीक है, आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो ये सारी चीजें होने वाली है। एंड होप आप लोगों ने हमारा ये वीडियो पूरा सुना होगा, आधे पे से कट नहीं किया होगा। तो आप हम रिव्यू के कैसा लगा, और कोई भी बातें हो शो के बारे में या कुछ भी हो, आप अपने व्यू जरूर हमें कमेंट के थ्रू बताइए। आज हम लाइव बातें नहीं कर पाए हैं, बट यस, कल हम जरूर आएंगे। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना भूलिएगा नहीं। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी संडे।